नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 9th क्लास के विद्यार्थी ध्यान दें कि हमारा एक लेसन चल रहा है गद्य खंड में। मुंशी प्रेमचंद जो हैं उनका व्यक्तिगत जिंदगी को लेकर के हरिश्चंद्र प्रसाई ने एक व्यंग्य किया है कि प्रेमचंद के फटे जूते। अब जूते फटना वैसे तो आम बात भी है, लेकिन यहाँ पर जो मुंशी प्रेमचंद हैं वो एक फोटो के अंदर उनका चित्र है, और उस फोटो में अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें मुंशी प्रेमचंद का जो बायां पैर का जो जूता है उसमें से उसकी उंगलियां बाहर निकल रही हैं, और जूते भी हैं वो कैनवस, मतलब जो कपड़ा होता है, कपड़े के जूते होते हैं पेटीशूज जिन्हें कहा जाता है, वो जूते पहन रखे हैं, और उन जूतों में से उसकी कुछ उंगलियां हैं बाहर निकल रही, पैर की उंगलियां। और इस स्थिति के फोटो को हरिशंकर प्रसाद देखते हैं तो वो कहते हैं कि फोटो खिंचाने के लिए लोग आज क्या कुछ नहीं करते हैं, और एक हमारे साहित्यिक महान व्यक्ति मुंशी प्रेमचंद हैं जो फोटो में कपड़े पहने हुए हैं अच्छे ढंग के, लेकिन जो जूते हैं उन पर ध्यान नहीं है। इसका मतलब इस व्यंग्य पाठ में ये बताया गया है कि हरिशंकर प्रसाई जो हैं ये मुंशी प्रेमचंद के जो फटे हुए जूते हैं उनको देख करके यही कहते हैं कि शायद आपको फोटो खिंचाने का मतलब मालूम नहीं है, फोटो क्यों खिंचाते हैं, फोटो की क्या अहमियत होती है, फोटो खिंचाने के लिए लोग कैसे क्या करते हैं। और एक आप हैं जो शायद लोगों की उन भावना या उन सोच समझ से विरुद्ध है, अलग है। इसका मतलब ये है, वैसे एक लाइन लिखी मैंने कि फोटो में साफ दिख रहा है कि उनका जो एक पैर है वो जूते से बाहर निकल रहा है, लेकिन देखने वाली बात ये है कि इस फोटो में लोग उनको देखकर, मुंशी प्रेमचंद को देखकर हंस रहे होंगे, जबकि सच्चाई ये है कि मुंशी प्रेमचंद जो है लोगों के बनावटीपन, अवसरवादिता और मौका प्रस्त जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों पर वे कर रहे हैं। इतने बड़े साहित्यकार हैं, जूता खरीदना उनके लिए बड़ी बात नहीं है, आराम से खरीद सकते हैं, लेकिन वो ये जताना ये बताना चाहते हैं कि समाज की मानसिकता है, लोगों की जो सोच समझ है वो कहाँ जा रही है। तो ये यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें कि जो हरिशंकर प्रसाई हैं वो फोटो को देख रहे हैं, फोटो को देखते हुए क्या कहते हैं कि यह कैसा आदमी है। कैसा आदमी का मतलब मुंशी प्रेमचंद की फोटो को देखकर कहते हैं कि यार अजीब आदमी है, कैसा इंसान है जो खुद तो फटे जूते पहने हुए हैं और फोटो खिंचा रहे हैं पर किसी पर हंस भी रहे हैं। किस पर हंस रहे हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं हंस रहे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जो हंस रहे हैं किस पे हंस रहे हैं, वो समाज की जो सोच समझ मानसिकता है उस पर हंस रहे हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। कौन कह रहे हैं, हरिशंकर प्रसाई जो है वो मुंशी प्रेमचंद से कह रहे हैं कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते हो, शायद तुम समझते होते यानी फोटो का क्या औचित्य होता है, क्यों खिंचवाते हैं लोग फोटो, इसका यदि आपको एहसास भर भी होता तो शायद आप क्या करते, किसी भी व्यक्ति से जूते मांग लेते, भाई टोपी ठीक है, कुर्ता ठीक है, धोती भी ठीक है, तो जूते फट रहे हैं तो किसी व्यक्ति से जूते मांग लेते कुछ समय के लिए, और मांग करके आप अच्छी से अच्छी फोटो बनवा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों, क्योंकि शायद आपकी मांगने की जो आदत नहीं है, या फिर आपने सुना भी होगा कि मांगने से हमारा यश कम हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर एक मैसेज, एक संदेश है कि मुंशी प्रेमचंद चाहते तो किसी से भी जूता मांग लेते और पहन के फोटो खिंचा लेते, कुछ समय के बाद 5 मिनट नहीं लगते, लेकिन उन्होंने जूता नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा, क्योंकि जो चीज हमारे पास अवेलेबल है, उपलब्ध है, उन्हीं संसाधनों से हमें जीवन जीना चाहिए। यदि हमारे पास नई वस्तुएं, नए सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हमें दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, ऋण या कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं। हम कुछ चीजें होती हैं
स्वास्थ्य बिगड़ गया है या कुछ और हो गया है तो फिर हम हाथ फैलाते हैं, किसी सामने अपने दुआ लेते ही हैं। लेकिन जो अनावश्यक चीजें हैं, ठीक है कि उनके बिना भी जीवन जिया जा सकता है शरीर के अलावा, तो फिर वहां पे हमें इस प्रकार का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा मानते हैं मुंशी प्रेमचंद, और वो ये मानते हैं कि मांगने से अच्छा है कि जो हमारे पास उसी में हम काम चला लें। ठीक है, तो इस बात से हमें थोड़ा सीखना भी है। आगे देखिए, ये कुछ बातें हैं किताब की, हमें ध्यान से सुनना है कि लोग तो मांगे के कोट से, मांगे के, मांगे का मतलब है मांगे हुए, ठीक है, मांगे की कोट, कोट समझते ना, शादी पार्टी में कोट पहनते हैं, तो पहने वाले कोट है, कोट से वर दिखाई करता है, अर्थात अपने आप को वर यानी कि दूल्हे जैसा दिखाई देते हैं वो लोग कि देखो हम कितने सुंदर लग रहे हैं, कोट पैंट मांग लेते हैं, शादी पार्टी है, किसी बर्थडे पार्टी है, ठीक है, और दूसरों से नहीं तो अपने परिवार में मांग लेते हैं, चाचा ने भैया का, भैया ने चाचा का, पापा ने भतीजे का, भतीजे ने स्त्री से, तो कुल मिला के हम एक दूसरे का कोट पैंट कपड़े लगते हैं ये मांग करके, जूते चप्पल सैंडल कुछ भी, यहाँ तक कि नेकलेस वगैरह आभूषण वगैरह भी मांगा किसी का, ब्रश पहन के चले गए। अब वहां पे हम अपने शान, अपने प्रतिष्ठा दिखा रहे, देखो हम कितने अच्छे हो गए, ठीक है, सोचो जिससे हमने मांगा है वो भी उस पार्टी में जाके, और कोई सामने से पूछ रहे अरे भाई कोट किसने खरीदा और कब खरीदा आपने, तो वो क्या बोलेगा, जिसने मांग के पहना वो क्या बोलेगा, उसके जिसका मांगा है वो भी वहां खड़ा है। अब वो मान लीजिए मैंने किसी का मांग के पहन लिया, शादी पार्टी में चले गए और सामने पूछे कि अरे मार साहब ये कोट बड़ा अच्छा है, आपने कहाँ खरीदा, कब खरीदा, कब सिलवाया, अब मैं सर ये इतने रुपए का है तब सिलवाया, तो झूठ ही बोलूंगा ना, तो झूठ बोलना तो गलत है। और सोचो कि वहां वो व्यक्ति खड़ा है, वो आसपास है जिसका मैंने कोट मांग लिया है, जैसे मैं झूठ बोल दूं कि साहब ये मैंने इतने में सिलवाया है और तब सिलवाया, और वो व्यक्ति आगे अरे ये तो मेरा है, तो प्यारे बच्चों ये एक फजीती वाली बात हो जाती है, इंसल्ट वाली बात हो जाती है। तो सीधी बात यह है कि मांगे कौन से, कुछ लोग तो बड़ दिखाई देने कि लोगों की साइकोलॉजी है, लोगों की एक सोचने का तरीका है कि बस मांग के कैसे करके अपना बस अगले के सामने अच्छा दिखना है करते हैं। और मांगे की मोटर से, मोटर का मतलब गाड़ी, मोटर से मोटरसाइकिल मांग लिए हैं, फॉलर मांग लिए हैं, अच्छी लग्जरी गाड़ी, दोस्त की गाड़ी उसको लेकर कहाँ जाते हैं, बारात निकालते हैं, अपने मान लो बुआ के नजदीक शादी है, मामा के लड़के शादी है, साले की शादी है, तो लोग किसी अपने है तो ठीक है, नहीं तो किसी की गाड़ी मांगी और उसको की बेटी जी पेट्रोल में डलवा लूंगा, मेंटेनेंस में करवा लूंगा, और गाड़ी मांग के लोग ले जाते हैं और आराम से कुछ गाड़ी में दूसरों को बैठाते हैं, चलो भाई हमारी गाड़ी, हमारी गाड़ी है, लोग भाई ये साफ गाड़ी लेके आए। तो दुनिया की नज़र में, दूसरों की नज़र में अच्छा दिखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। एक तरफ तो ये लोग हैं जो मांगे का कोट ले लेते हैं, कपड़े लत्ते ले लेते हैं, गाड़ी मोटर तक, अभी और देखना क्या क्या मांग लोग क्या मांगते, देखो फोटो खिंचाने के लिए लोग तो बीवी तक मांग ली जाती है, बीवी, बीवी का मतलब है पत्नी। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कोट पैंट में खड़े हैं आप और सब लोग है ना अपने जोड़े से फोटो खिंचा रहे हैं, ठीक है, कोई महिला संगीत का प्रोग्राम है या शादी पार्टी का आसपास समारोह चल रहा है या कोई बर्थडे पार्टी है, उसमें से चाचा चाची आ गए, पिताओ ताई आ गए, भैया 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 भाभी आ गए हैं, फिर कोई और भी ऐसे हैं जो कपल मतलब जोड़े में फोटो खिंचा रहे हैं। अब कोई मान लीजिए सिंगल है, मेरे जैसे कोई भी एक्साइटेड है वो फोटो खिंचा रहा है, तो बात अरे अकेले क्या फोटो खिंचा रहे हो, तो वो किसी भाभी चाची मामी किसी को अरे जरा एक मिनट आएंगे और पास में खड़ा होकर फोटो खिंचा लेता है। सोच के देखिए उसने क्या कर लिया, किसी की बीवी को एक मिनट के लिए मांग लिया और वहां खड़े होकर क्या कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हंसी मजाक का ही पार्ट है, बीवी मांगना कितनी बड़ी बात है, लेकिन ये है कि ये दर्शाता है हमारे समाज की मानसिकता कि ये बस क्या होता है कि हम अच्छा दिखने के लिए, अरे भाई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हो वैसे ठीक कर, लेकिन नहीं, इस पूरे पार्ट में जो मुंशी प्रेमचंद वो तो ये बताना चाह रहे हैं कि इंसान जैसा उसके पास जो संसाधन है, कपड़े लत्ते घर परिवार जो भी खाना वाना उसके पास है, उसी में उसे अपना संतोषी मन रख के काम करना चाहिए। और परसाई जी कह रहे हैं भाई नहीं, समाज के अनुसार चलो, समाज के लोग तो बीवी तक मांगे फोटो खिंचा रहे ताकि फोटो अच्छी आ जाए, आपकी कोट पैंट की, आपकी हाइट फिजिकल की, आपकी उस पार्टी की एक शान बन जाए, आपकी यादगार पल बन जाए, और बाद में कि हाँ सर देखो हमारे साथ इस तरह से है कि नहीं। चलिए
लोग तो अभी तक मांगने जाते हैं तुमसे जूते ही मांगते नहीं, मैंने कि तुम हो कि जूते ही नहीं मांग सके। और लोग तो दूसरों की पत्नी को अपनी पत्नी मान के फोटो खिंचा लेते हैं, होता है ऐसा प्यार लोग तो इधर छुपकर फोटो खिंचवाते हैं, कुछ लोग होते हैं। देखिए फोटो खिंचवाना एक यहाँ पर सनकीपन कहा गया है, हम उतावले हो जाते हैं, भावना में बह जाते हैं, एक ग्रुप फोटो बन रहा है फिर वैसे अरे एक मिनट ग्रुप में आया हूँ, तो कैसे कैसे मुंह बनाते हैं, कैसे कैसे एक्शन स्टाइल से फोटो खिंचाते हैं। और ये चलो ये तो ठीक है उसमें दिखेगा, कुछ लोग तो इत्र, इत्र का मतलब क्या होता है कि जो सेंट परफ्यूम होते हैं डीओ वगैरह छिड़क लेते हैं, लगा लेते हैं जी डीओ इत्र छुपड़ कर लगा करके, इत्र सेंट होता है जिसको परफ्यूम लगाकर कुछ कानों में लगा लेते हैं, कुछ कपड़ों में इस तरह से लगा लेते हैं, नाक में मत लगा लेना ना, ये कुछ होते हैं कुछ गलती से लगा लेते हैं, सिर्फ छोटा सा कॉटन भिगोया और कान के ऊपर की सिम थोड़ा कहीं लगा लेता है कि पूरे शरीर में आसपास खुशबू रहती है, इत्र का काम होता है। अब आजकल तो डीओ वो गैस वाले आ गए तो बस इस तरह से करते हैं और बस हो गया है, और बिना डीओ तो फिर कॉलेज कहीं जाते नहीं लोग आजकल, ये बना रखा है ठंडा। ठीक है चलिए, तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं। अब सोचिए देखिए पहले व्यक्तियों कि जो इत्र परफ्यूम लगाया है वो सामने कैमरे में फोटो खींच रही है, तो अब वो कैमरे में जो फोटो खींच जाएगी फोटो के बाद फोटो बना के दिया जाएगा, उस फोटो में खुशबू आएगी नहीं आएगी, ये वो सब मैटर अलग है। तो ये जो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचा रहे हैं इनको कोई समझाए कि भाई केवल आपका जो चित्र दिख रहा है वो ही वहां पे आता है, आपके अंदर अच्छी खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये लोगों की भावना, लोगों की सोच, लोगों की समझ है कि फोटो खिंचवाने का एक हमारे क्रेज है, एक तरीका है, एक परंपरा से बोल रहे हैं फोटो में हमें अच्छा ही दिखना है। ठीक है, तो प्यार से ये फोटो खिंचाने वाली बात को लेकर और यहाँ पे जो जूतों की बात को लेकर है हरि सिंह का प्रसाद तो समाज में जो चल रहा है उसको बता रहे हैं, और मुंशी प्रेमचंद को माध्यम बनाया है कि वो कितने सादगीपूर्ण जीवन को जीते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बातें हैं आपको समझ में आ गई होंगी, ये व्यंग्य पाठ है और कुछ से इस बार गौरव पढ़ेंगे। तो आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इन बातों के पाठ को पढ़ना है और कोई डाउट हो तो पूछना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।